गुरु माँ गंगा देवी की। खंडी, पहचान गई हूं तुझे मैं। संतान के लोभ में आए हो ना तुम दोनों मेरे पास, लेकिन माता केवल तुम पर उपकार करती है जिनके हृदय में खोट नहीं। पर्वत है क्या बकवास है ये? और तुम मुझे घसीट कर यहां पर इसलिए लेकर आई थी ताकि ढोंगी औरत मुझ पर उंगली उठा सके? सुजी क्या कह रहे हो तुम? ओए गुरु माता को पाखंडी कहता है? नहीं नहीं, निकाल इसे, चलो यहाँ से। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। गुरु माँ से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। मन्नू माता की। सुजय, मन्नू माता को ढोंगी कहने वाले, तेरा न्याय इस आने वाले शनिवार की रात ठीक सूर्यास्त के 2 घंटे बाद होगा। मेरा ये त्रिशूल और तेरी ये छाती तेरी बलि ही होगी। मेरी इस भक्त की आजादी। सुजय, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो चुके अपने अंधविश्वास के चंगल में। अरे पता नहीं क्या जादू कर रखा जंगा माता ने तुम पर, बाहर निकलो उसके चंगुल से, पता नहीं कितने पैसे लूटेगी औरत। सुजय सुजय ऐसा मत कहो, गुरु माँ पर हर शनिवार माता आती है। आकृति पता नहीं क्या जादू कर रखा उस औरत ने तुम पर, एक नंबर की झूठी औरत है वो। सुजय झूठी वो नहीं, झूठे तो तुम हो। क्या? हाँ कहाँ है मेरे गहने बताओ, किसने लिए मेरे गहने बोलो? तेरे कहने का मतलब है कि मैं बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तेरी उस जंगा माता ने हमारे शादीशुदा जीवन में जहर घोल दिया है। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में वो। अब देखो उसका क्या हाल करता हूँ। उसको ये पता नहीं कि उसका पाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर से पड़ा है। जय गुरु माँ है। सुजय रुको, मेरी बात सुनो। सुजय सुजय ये रहे वो पेपर जो तूने मांगे थे। गुरु माँ जंगा देवी के सारे बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, एसेट्स, सोर्सेज ऑफ इनकम, सब कुछ। अब 2 काम बाकी रह गए हैं। मीडिया को बुलाना, गा माता पर छापा पड़वाना यानी रेड। ये पेपर्स में आग कैसे लग गई? सुजॉय ये गवर्नमेंट लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, आई होप तो कोई बड़ा पंगा नहीं ले रहा है। चीयर्स। चीयर्स। कमाल है यार, शाम हुई नहीं लेकिन अंधेरा हो गया, शायद तूफान आने वाला है। तुम कहाँ जा रही हो ऐसे मौसम में? आज शनिवार है और देवी माता ने कहा था कि आज के दिन। सुजय जंगा देवी माँ की शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें, तुमने जो उनके खिलाफ किया है उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखना तुम्हारे किए की सजा वो तुम्हें जरूर देंगे, इसलिए आज मैं मंदिर जा रही हूं तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना के लिए।
साहब साहब तूफान आने वाला है, मैं चलता हूँ। अच्छा यार मैं भी चलता हूँ। हाँ तेरी भाभी के 4 फोन आ गए। अरे सुजय वो मैं कह रहा था कि क्या हुआ? वो तेरे पीछे वो कोई नहीं। देख शर्मा, अगर एक दिन के अंदर मुझे पता नहीं चला कि रेड का पैसा कहाँ गया है तो रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी और फिर तुम क्या हो रहा है ये सब? तेरा वध माता के हाथों, पापी तेरा काल आ गया है। आप मंदिर गई थी, घर पे कौन था? जी शरण और हमारा नौकर निर्मल थे। मैं तो साहब के सामने ही निकल गया था 7 बजे साहब, और इसके जाते ही 5 मिनट बाद मैं चला गया था, और मेरे जाते ही सुजाय ने घर को लॉक भी कर लिया था अंदर से। तो फिर बंद कमरे में सुजाय को किसने मारा त्रिशूल से? माता ने, मेरी वजह से। सुजाय की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। Sweets for a sweet. Hi Billy, good to see you. Hi. क्या है? Caramel cookies. Caramel, इस पर तो काजू लगा हुआ है। Caramel काजू cookies. अच्छा अच्छा caramel काजू cookies. Wow, they're looking good. अच्छा हुआ तुम्हारे 3 महीने छुट्टी लेकर कुकरी क्लासेस करने का कुछ तो फायदा हुआ। Have one. हाँ मतलब तुमने इतनी मेहनत से बनाया है बिली मोरिया तो मैं तो खाऊंगा ही, मैं क्यों नहीं खाऊंगा। अधीरा आ गई। अधीरा ये मिसेस बिलमोरिया है, मैंने तुम्हें बताया था मेरी सहायिका 3 महीने छुट्टी लेकर ये कुकरी क्लासेस में गई थी। ये काजू कैरमल कुकीज, काजू कैरमल कुकीज बनाई इन्होंने। प्लीज यू मस्ट टेस्ट वन, प्लीज टेस्ट वन। थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो ना। मेरी कजन है आकृति, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया उसके हस्बैंड की डेथ के केस में, बट आई नो शी इज इनोसेंट सर, यू हैव टू हेल्प हर प्लीज। मलाड में पुलिस ने अकृति सिंधे नाम की एक महिला को उसके पति की हत्या के लिए गिरफ्तार किया। अकृति का कहना है यह हत्या उसने नहीं की, मन्नो माता ने की। जी हाँ, वही मन्नो माता, चंगा देवी वाली मन्नो माता। जाहिर है पुलिस इस बात को मान नहीं रही। अब देखना यह है अकृति के वकील केडी पाठक इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं। जी सर आप ये केस व्यर्थ में ले रहे हैं। मैं कोर्ट में कह दूंगी कि सुजय की हत्या मेरी वजह से हुई है। क्यों क्यों कह दोगी ऐसा? सुजय को तुमने मारा है? नहीं सर, लेकिन जंगा देवी के आश्रम में सुजय को मैं ही लेकर गई थी, और मेरी वजह से जंगा देवी पर आई मन्नो माता ने सुजय को जान से मारने की धमकी दी, तो इससे तो दोषी मैं ही हुई ना। क्या बोल रही हो तुम?
माता ने सुजय का वध किया, क्या अर्थ होता है इसका? आप मन्नु माता की शक्ति के बारे में नहीं जानते। उन्होंने पहले सुजय की जान ली, उसके बाद मुझे पकड़वाया, क्योंकि अब वो चाहती हैं कि मैं इसका प्रायश्चित करूं। सब सब माता की इच्छा है, इसके आगे हम और आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज आकृति, कम से कम मेरे साथ ये अंधविश्वास की बातें मत किया करो। सर जब आपका कानून अंधा हो सकता है तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं? राठौर सर, आपने किस बेसिस पे आकृति को अरेस्ट किया? किस बेसिस पे मतलब? सिंपल है, इस घर में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, आकृति और सुजय। घर की दो चाबियां हैं, एक आकृति के पास और एक सुजय के पास। सुजय उस रात घर में अकेला था, घर में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इन खिड़कियों के, उसमें भी लोहे की सलाखें हैं। चेक किया है मैंने, अब बताओ, जब घर में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है तो कोई त्रिशूल लेकर घर के अंदर आकर सुजय का मर्डर कैसे करेगा? You're right. लेकिन that doesn't answer my question. आकृति क्यों? वो इसलिए योर ऑनर, क्योंकि आकृति जी का ये कहना है कि जिस दिन खून हुआ उस दिन वो मंदिर गई थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो गई नहीं थी। और मैं यूं ही कुछ कहता ही नहीं हूं पाठक साहब, मेरे पास सबूत भी है, मंदिर के पुजारी। योर ऑनर, पुजारी जी का ये कहना है कि उस दिन आकृति जी मंदिर गई नहीं थी। एंड दिस इज नॉट ऑल, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, 3 पॉइंट और 10 मिनट में केस खत्म। पॉइंट नंबर 2, ये मर्डर वेपन योर ऑनर, ये त्रिशूल जिससे खून हुआ था, इस मर्डर वेपन पे आकृति जी के उंगली के निशान है। पॉइंट नंबर 3, की, घर की की, इसे खोलकर आकृति जी घर में घुसी थी। योर ऑनर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 4, ये गहने। इन गहनों का इस केस से क्या लेना देना है मिस्टर जायसवाल? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। पाठक साहब, ये गहने है ना, वैसे दिख तो रहे हैं आकृति जी के, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये असली वाले नहीं है, नकली वाले हैं, किसी ने रिप्लेस कर दिया है, किसी ने, योर ऑनर, आई प्रेस ऑन दैट वर्ड, किसी ने। और आकृति जी को शक है, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो गहने हैं वो आपके स्वर्गस्थ पति सुजय ने बेच दिए थे। जी सर, मैंने ये गहने सुनार को दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये नकली है, और मुझे शक सुजय पर ही था, क्योंकि सुजय को बहुत दिनों से अपने भाई को एक नई दुकान दिलवानी थी जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, और जो मैं दे नहीं रही थी। आप दे नहीं रही थी पैसे, लेकिन ले लिया आपने उनकी जान। नहीं, ये सब माता ने किया है। माता? हाँ सर, मन्नू माता जो जंगा देवी पर आती हैं, उन्होंने सुजय को धमकी दी थी कि उसकी जान ले लेंगे। मेरा ये त्रिशूल और तेरी ये छाती तेरी बलि ही होगी मेरी इस भक्त की आजादी। सर, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब माता की इच्छा है। ये आपकी क्लाइंट क्या कह रही है गिडी? योर ऑनर, माता के प्रकोप के बारे में तो मैं इस समय कुछ नहीं जानता, लेकिन जायसवाल साहब अदालत में जो प्रकोप ढा रहे हैं उस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। अनुमति, 4 पॉइंट्स जो इन्होंने उठाए हैं यहाँ, उनका उत्तर देना चाहूंगा। सर्वप्रथम इनका कहना है कि उस दिन आकृति मंदिर गई नहीं, पुजारी जी वहां के ऐसा कह रहे। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ योर ऑनर, हर शनिवार वहां 400 से 500 लोगों की भीड़ रहती है, तो संभव है कि आकृति मंदिर गई हो और पंडित जी ने इन्हें देखा ना हो। जायसवाल साहब का दूसरा पॉइंट कि त्रिशूल पर आकृति की उंगलियों के निशान है, योर ऑनर स्वाभाविक है कि आकृति त्रिशूल निकालने का प्रयास कर रही है, घोपने का नहीं, और इसी कारण त्रिशूल पर इनकी उंगलियों के निशान है। जायसवाल साहब का तीसरा पॉइंट योर ऑनर कि इसी चाबी से आकृति ने घर में प्रवेश किया, जो सत्य है, यह प्रवेश किया लेकिन सुजय को मारने के उद्देश्य से नहीं। और जायसवाल साहब का चौथा और अंतिम पॉइंट योर ऑनर, इन
इन गहनों के कारण आकृति ने सुजय की हत्या की, तो ये केवल जायसवाल साहब का अनुमान है योर ऑनर, कोई प्रमाण नहीं है इसका इनके पास। बाड़क साहब, आपका ये मानना कि आपकी मुवक्किल निर्दोष है, ये भी आपका अनुमान है, प्रमाण नहीं। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुमति है। सर मेरा नाम शरण सक्सेना है, मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुजय का कलीग हूँ। सर वैसे मैं ये सब अंधविश्वास में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि अरे सुजय, वो मैं कह रहा था कि मन्नू माता। सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा मुझे कुछ ज्यादा नशा हो गया तो मैं वहां से चला गया। मेरे साथ भी उस दिन कुछ अजीब हुआ था सर, मैं किचन साफ करके जाने ही वाला था कि जज साहब, जायसवाल सर, केडी सर, क्या अब भी आप लोग ये मान रहे हैं कि सिर्फ मैं धोखा खा रही हूँ, जबकि निर्मल और शरण तो माता के भक्त भी नहीं है, फिर भी वे उन्हें दिखाई दी। सर ये सब माता की शक्ति है, उस रात माता आई थी घर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने, सुजय की जान लेने। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, पाठक साहब आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। आपको क्या लगता है, इनको वकील की जरूरत है या डॉक्टर की? जायसवाल साहब, मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, प्लीज अप्रोच द बेंच। क्या हो रहा है, अगर आपके गवाह इस तरह से अंधविश्वास का प्रचार करेंगे तो मजबूरन मुझे ये केस रद्द करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ कहा सर, ये तो पाठक साहब की क्लाइंट अंधविश्वास फैला रही है, शायद इन्होंने कुछ कहा हो तो। मिस्टर पाठक, प्लीज डू समथिंग, दिस कांट गो ऑन लाइक दिस सर। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, जब से ये केस आरंभ हुआ है एक नाम बार बार उभर कर आ रहा है, मन्नू माता। आपकी अनुमति हो तो मैं इस फसाद के जड़ को क्षमा चाहता हूं, इस केस के केंद्र बिंदु पर ध्यान देना चाहूंगा। प्रश्नोत्तर के लिए मैं गुरु माँ जंगा देवी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। जंगा देवी जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि सुजय की मृत्यु आपने निश्चित की थी और निश्चित दिन निश्चित समय पर आप ही के आश्रम के त्रिशूल से उसकी हत्या हुई, अब ये तो बहुत गहरा संयोग है, नहीं लगता आपको? क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, मृत्यु मैंने नहीं, माता ने निश्चित की थी। अच्छा, माता ने निश्चित की थी, किंतु जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जितने गवाह हैं, उनका कथन तो यही कहता है कि धमकी सुजय को आप ही ने दी थी। मूर्ख, वो मैं नहीं, मेरे अंदर समाई मन्नो माता थी। अच्छा, मन्नो माता आपके अंदर समाती है? हाँ, हर शनिवार की शाम। ये बाकी दिनों कहाँ जाती है? टूर पे जाती होंगी, पृथ्वी भ्रमण। आपको ये मजाक लग रहा है? हाँ। अगर उस रात आप मेरे आश्रम में होते और आपने देखा होता तो मुंह खोलने से पहले आपकी जीभ कप कप आती। नहीं, पर क्यों क्यों, ऐसा क्या हुआ था? उस रात हम अपनी तपस्या में लीन थे, माता की भक्ति में। मन्नू माता की जय, मन्नू माता की जय, मन्नू माता की जय। याद है पिछले हफ्ते हमने उस पाखंडी के वध का प्रण लिया था, आज उसका समय आ गया है। नहीं नहीं माता, क्षमा कर दो उस अज्ञानी को, हमारा त्रिशूल ही उस पर दया करेगा। वहीं जहां उसे होना चाहिए, और अब मैं भी वहीं जा रही हूं। माता की जय, गंगा देवी की जय। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसके बाद अगर किसी ने नारेबाजी की है तो उसे अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। मिस्टर पाठक, आप तो ये मामला सुलझाने वाले थे, लेकिन इन्हें कटघरे में बुलाकर आपने तो आग में और घी डाल दिया। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। तो जंगा देवी जी, क्या मतलब, क्या आप कहना चाह रही हैं कि
माता जी आपके अंदर समाती हैं और फिर अपना प्रकोप पूरा करती हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मिस्टर पाठक कि मैं आपका पक्ष ले रही हूँ, अपने भक्त को निर्दोष साबित कर। दोष इसका नहीं है, दोष किसी का भी नहीं है, माता का इंसाफ माता ही जाने। आई एम जयसवाल जाने, सब जानता हूँ मैं आपके ढोंग ढकोसले। तुम नास्तिकों की यही दुविधा है, जब तक स्वयं चमत्कार ना देख लो तब तक यकीन ही नहीं करोगे। नहीं करूंगा मैं। चमत्कार दिखाइए, बुलाइए माताजी को, मैं बुला लेता हूँ, उसमें क्या है। नहीं नहीं, मैं बुला लेता हूँ ना। माताजी प्लीज कम। हेलो हेलो, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मन्नु माताजी। माता से भेंट करना चाहता है, देखना चाहता है माता को। जी तो देख प्लीज। गंगा देवी क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं योर ऑनर, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोई पावर फ्लक्चुएशन होगा और इनका तो आई थिंक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब तेरी बारी है अधर्मी, उस पाखंडी के बाद तेरी बलि लूंगी। ठीक है, संभालिए अपने आप को वरना अंडर सेक्शन 503 मैं आपको धमकी देने के आरोप में। गंगा देवी क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। सर, हमारी आंखों के सामने ये सब, पर पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। माता का आना, is it even possible? अरे तुम न्यू जनरेशन बिलीव नहीं करता है, पर केडी ऐसा होता है। अगर गॉड होता है तो डेविलपन होता है और मातापन होता है। आई बिलीव इट। और माता के स्पिरिट से पंगा नहीं लेने का इसलिए माता होता नहीं, माता होती है। खाओ ना केडी। हाँ मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वाह क्या बात है अदीरा, यू मस्ट ईट, ट्राई करो, वेरी नाइस। वेरी नाइस बिली मोरिया, वेरी नाइस। अदीरा, माता का जगराता कब है? कल है सर। कोई सुराग नहीं मिला केडी साहब, ये सब कुछ तो मन्नो माता ने किया है ना, जो गंगा देवी के अंदर आती हैं। अब माता कब आती हैं, कब जाती हैं, ये हम जैसे साधारण लोगों के हाथ में नहीं है। राठौर, मन्नो माता की जय जयकार बाद में करेंगे, इस समय ये सोच कि हत्या यहां हुई है तो अंदर आने का तो यही एक रास्ता था। अरे केडी, पर कैसे? इन सलाखों के थ्रू त्रिशूल फेंककर मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? पहली बात तो त्रिशूल अंदर आएगा नहीं, और मान लो आ भी गया तो फोर्स कहां से आएगी? एक सेकंड, मैं दिखाता हूं। देखा, सोच रहा था राठौर, सलाखें इतने चिपचिपे क्यों हैं? इसकी फोरेंसिक जांच हुई है क्या? उंगलियों के निशान लिए गए? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं। कॉल करते हो, करवाओ। हवलदार, अरे राठौर, फोरेंसिक जांच करवा ही रहे हो तो ये दो ग्लासेस का भी करवा लो। आई एम जयसवाल, इंसान से तो क्या, मौत से भी नहीं डरता। हेलो हेलो,
लाइट को क्या हो? संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बस हो सुर भूप चंद्रा देवी पर जोक चलो आज छोड़ दिया है तुझे, आइंदा मुझे चुनौती कभी मत देना। मन्नो माता, वरना वरना पीछे देख। माता इधर भी, माता उधर भी। सीता और गीता सुना था, माता और माता क्या होता है ये समझ में नहीं। भविष्यवाणी पूरी करने कोई सुराग नहीं मिलेगा केडी साहब, इन सलाखों के थ्रू त्रिशूल फेंककर मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? और मान लो आ भी गया तो फोर्स कहां से आएगी? अचंबा क्या? जय माता अचंबा। सब क्या ये आप गले में माला वाला डाल के उंगलियों में अंगूठियां जाप करते हुए, क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुई है? अटक साहब, कल रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर भाई बैठ गया है। उस अंदर बैठे हुए भाई को बाहर निकालने के लिए मैंने रिसर्च किया और उसके लिए मुझे भाई अंदर के अंदर जाना पड़ा। तब जाके मुझे पता चला कि वहां पे एक तांत्रिक है जो माता अचंबा के भक्त है। पीला लाल खंबा, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मन्नो माता की भक्त जंगा देवी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। कहिए मिस्टर पाठक, क्या माता के ना होने पर अब भी आपको कोई संदेह? अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो प्रदर्शन दिखाया पिछली अदालत में, उसके बाद तो मैं ही नहीं जायसवाल साहब भी मानने लगे हैं इस बात को। मैं तो स्वयं भक्ति हो गया हूँ मन्नो माता का, और मैं ये जान भी गया हूँ कि मन्नो माता जो है वो केवल आप में नहीं उनके हर भक्त में आती है। मिस्टर पाठक, क्या हो रहा है ये? हाँ तो गंगा देवी जी, कैसा लगा आपको मेरा प्रदर्शन? ये सब क्या था मिस्टर पाठक? योर ऑनर, हमारी पूज्य जंगा देवी बहुत अचंभित है, लेकिन इसमें अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो जो चाहे वो कर सकता है, बस एक सहायक की आवश्यकता है जो इनके केस में राधे मोहन था। और मेरे केस में
मेरी सहाई का अधीरा, आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुला लो। अनुमति है अधीरा। आई अंडरस्टूड दिस लाइट वाला जो भी चमत्कार था, लेकिन ये हवा में उड़ने वाला चमत्कार? योर ऑनर, इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं। क्या है जसवाल साहब की विज्ञान दिन ब दिन प्रगति करता जा रहा है, ये जो हवा में उड़ना था ये भी उस प्रगति का एक अंश। जेट प्रोपल्शन योर ऑनर, जिस तरह हवाई जहाज हवा में उड़ता है कुछ वैसा ही। आपकी अनुमति हो तो वीडियो द्वारा मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। अनुमति है। धन्यवाद यार। योर ऑनर, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि ये मैकेनिज्म अगर कोई भी व्यक्ति अपने जूतों में लगा ले तो उठ सकता है जमीन से। इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए बस एक तार और एक स्विच की आवश्यकता पड़ती है योर ऑनर, जिसे जंगा देवी ने अपने कपड़ों में कहीं छिपाया होगा। और वो जो लाल लाल आंखें हैं, आइए आइए, नहीं डरिए मत, और वो जो लाल लाल आंखें थी आपकी जंगा देवी, उसका रहस्य ये है कि आप अपने बालों में कोई ऐसा कुछ लगाती हैं, फिर बालों को हिलाती हैं, तो वो रसायन आपकी आंखों में जाता है, आपके बालों सर आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब आप कृपया इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी साई का अधीरा आपके आश्रम से वो मैकेनिज्म लगे हुए आपके जूते और उसे एक्टिवेट करने का स्विच इत्यादि इत्यादि सब लेकर आई। अधीरा एक बार दिखाई। देखा जसवाल साहब, ये जो आप भाई अंदर के अंदर इतना सारा पैसा खर्चा करके आए हैं, सब व्यर्थ है, ये सब नाटक है, ढोंग है, अंधविश्वास है। क्यों? ओके ओके, मैं मानती हूं कि ये माता बाता सब ढोंग है जो मैं और मेरे साथी लोगों को उल्लू बनाने के लिए करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एक्सक्यूज मी, इसे उल्लू मुझे कैसे बनाया आपने? मतलब वो कल रात को बनाने की जरूरत ही नहीं है ना जसवाल साहब। आप बैठिए, आप आइए आइए। वैसे जसवाल साहब को उल्लू बनाना तो, लेकिन आपने किया कैसे था जरा बताइए अदालत को। पहले मैंने जसवाल साहब की लैंडलाइन डिस्टर्ब कर दी, मैं खुद मेकअप में, और फिर एक रिकॉर्डेड फोन कॉल से आपको डराया। मैंने ये सब किया, लेकिन 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 क्या? लेकिन मैंने तो सुजय को ऐसे ही नकली श्राप दिया था। उस श्राप को किसने पूरा किया मुझे कुछ नहीं पता। मन्नो माता की कसम, सुजय की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब ये उल्लू सीधा कर देगा, केस सीधा कर देगा। योर ऑनर, ढोंगी माता जो भी इनमें आती थी, जो करती थी, वो तो साफ हो गया, कन्फेस कर लिया। अब मर्डर में किसका हाथ था? आकृति का हाथ था, और यह मैं साबित कर चुका हूं। आई हैव अ क्वेश्चन, अगर ये सब ढोंग है तो मिस्टर शरण और मिस्टर निर्मल ने जो कुछ भी देखा वो क्या था? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रदर्शन कर दूं, बस दो ग्लास सही। अनुमति है। योर ऑनर, ये दो विस्की के ग्लास हैं, एग्जिबिट बी और एग्जिबिट सी। उस रात इन दोनों ग्लासेस का उपयोग शरण और सुजय ने किया था। ये रही इन दोनों ग्लासेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर, जिससे साफ साफ पता चलता है कि विस्की में एक ऐसा रसायन मिलाया गया था जिसे पीने के पश्चात इंसान को वही दिखता है जिससे वो भयभीत होता है। ओह, यू मीन टू से हेलुसिनेशन? हेलो, सी मिशन, वेरी गुड जसवाल साहब, वेरी गुड। योर ऑनर, अब आपकी अनुमति हो तो मैं शरण को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। हाँ सर, शायद इसीलिए उस दिन मुझे सुजाय के पीछे मन्नो माता नजर आई थी, शायद उसी केमिकल का असर था। लेकिन सर, ये ड्रिंक्स तो सुजाय के नौकर निर्मल ने बनाए थे। निर्मल ने? लेकिन मैंने उसमें कुछ मिलाया नहीं था और ना ही मैंने पिया था। तो फिर कैसे किया था? आई मीन, वो बर्नर की आग में माता जी कैसे दिखी आपको? वो कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं, झूठ बोला था आपने कि आपको माताजी दिखाई दी, क्योंकि आप
उस आग में किसी और आग को छिपाना चाह रहे थे, नहीं समझे होंगे आप? प्लीज, कैसी आग मिस्टर पाठक? मैं समझाता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, ये जो हत्या का केस है, इसके आरंभ होने पर जायसवाल साहब ने जो मोटिव हमें बताया था, गहनों की चोरी, वही आग। और सत्य तो ये है कि यही थे महान व्यक्ति, गहनों की चोरी सुजय ने नहीं, इन्होंने ही की थी। नहीं साहब, मैंने चोरी चोरी नहीं की। तो पता नहीं फिर वो कौन व्यक्ति था जो मंगतराम ज्वेलर्स के पास वो ज्वेलरी लेकर गया और बिना रसीद के बेच आया था। योर ऑनर, मंगतराम जी बाहर ही बैठे हैं, अगर आप कहें तो उनसे बुला कर पूछूं मैं कि कौन था वो, क्या 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 साहब क्या। मैंने चोरी की थी, लेकिन मैंने साहब को नहीं मारा सर। ये सच बोल रहे? I can see in his eyes, I can read eyes very nice, you know that. इसने नहीं मारा, मारा आकृति ने योर ऑनर। ये जो सुई आपकी अटकी हुई है ना एक ही जगह पर, इसे जरा हिलाते हैं। किसने मारा से पहले ये तय करते हैं कि कैसे मारा। बताइए। देखो, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने नहीं मारा। किसने मारा? मैंने। योर ऑनर, नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं। जायसवाल साहब आप क्रोधित मत होइए, मारा नहीं है आपको। मैं एक प्रदर्शन कर रहा था कि उस रात वो बाण, वो त्रिशूल कैसे चलाया गया था। अब सोचिए, एक एक बंद घर, बंद दरवाजे, ताले लगे हुए, खिड़कियों पे सलाखें, तो कैसे कोई त्रिशूल लेकर के अंदर आएगा मारने को। तो जो सलाखें थी खिड़कियों की, उस पर एक ऐसा गिलोल बांधा गया था, रबर बैंड बड़ा सा, फिर उसे अटकाया गया त्रिशूल को उस रबर बैंड में, और ठीक ऐसे ही जैसे उस समय योर ऑनर सुजय के विस्की में जो रसायन, जो पदार्थ मिलाया हुआ था, उस कारण उसे वो दृश्य दिखाई दे रहे थे। और फिर योर ऑनर रबर बैंड में त्रिशूल को लगा के सीधा उसने सुजय के सीने में मारा। आकृति ने नहीं, सुजय के मित्र, उसके कलीग शरण। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुलाओ। अनुमति है। तो आपने रुमाल से उस बाण को, त्रिशूल को पकड़ तो लिया, लेकिन रबर बैंड बांधते समय सलाखों पर जो चिपचिपाहट थी, उस पर आपकी उंगलियों के निशान है। क्या बकवास है ये? अरे, हो सकता है मैंने सलाखों पे हाथ रखा हो, ऐसे ही रखा हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सुजय को मैंने ही मारा। करेक्ट, ये इज अ वैलिड पॉइंट। चलिए छोड़िए, ये बताइए कि आपने पिछली सुनवाई में बताया था ना कि सुजय के पीछे वो लंबे बालों वाली कैसी थी दिखने में, दिखी कैसे आपको ये? क्योंकि मेरे ग्लास में भी वही केमिकल था। आपके इसी झूठ को पकड़ने के लिए मैंने भी अदालत से एक छोटा सा झूठ बोला था। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। आपके सामने जो ग्लासेस की फोरेंसिक रिपोर्ट रखी हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो रसायन, वो पदार्थ केवल एक ही ग्लास में था, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ सुजय के ग्लास में था, आपके ग्लास में नहीं। जिसका अर्थ ये है कि सुजय के ग्लास में वो रसायन, वो पदार्थ आपने मिलाया था, आप ही ने उसकी हत्या की। अरे, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आप ही ने किया है, ये सब आपने किया है। सलाखों पर आपकी उंगलियों के निशान, वो रबर बैंड का रबर आपने जहाँ से लिया, वो रसायन जहाँ से आपने खरीदा। आपको तो पता ही है कि ऐसे रसायन बिना नाम की रसीद नहीं बनती, आपके नाम की रसीद बनी है। जहाँ से आपने रसायन खरीदा, उस व्यक्ति का कथन भी है हमारे पास, आपके फोटो समेत। अब भाई साहब, और सबूत चाहिए या बताएंगे आप जो मुझे नहीं पता कि आपने हत्या क्यों की? बताइए सर। कुछ महीने पहले हमारी टीम ने एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स की रेड की, जहाँ हमने बेनामी 65 करोड़ रुपया जब्त किया, जिसमें मैंने और मेरे पार्टनर शर्मा ने 40 करोड़ गायब कर दिया। सुजय हम तक पहुँचने ही वाला था, क्योंकि उसे शर्मा पे शक हो गया था। कि तभी मुझे इस बात का पता चला कि सुजय को जंगा देवी ने मन्नो माता द्वारा मारने का श्राप दिया। बस वहीं से मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया और मैंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया सर। अरे, ये पेपर्स में आग कैसे? और फिर मैंने माता के एंगल को लेकर सुजय को मारने की प्लानिंग कर दी। मुझे पता था कि शक या तो मन्नो माता पे आएगा या फिर आकृति पे। मतलब कमाल करते हैं आप, व्यक्ति अपराध करके उसका आरोप किसी और व्यक्ति पर लगाता है,
आपने तो सीधा सीधा भगवान पर आरोप लगा दिया। माता जी का प्रकोप तो आप देख ही चुके हैं, अदालत का प्रकोप भी देखिए। योर ऑनर द डिफेंस रेस। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत शरण सक्सेना को सुजय शिंदे की हत्या में दोषी पाते हुए उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और आकृति शिंदे को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। ये अदालत निर्मल जंगा देवी और उनके सहायकों को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है ताकि इन पर अलग से मुकदमा चलाया जा सके। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जी। कंग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। लेकिन एक बात है, जिस तरह से आप ये केस जीते हैं ना, मैं अचंभित हूँ। हाँ, मैंने आपके लिए एक टैक्सी बुक करवाई है, एयर कंडीशन। क्यों? बाय, अंदर जाने के लिए बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।